अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, आप पीएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमडी कैट 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी अप्लाई नहीं हो रही है, सो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। जब मैं भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे यही आ रहा है कि भाई रीलोड रीलोड रीलोड, बार बार यही एक ही ऑप्शन जो है वो आ रहा है। तो उसके हवाले से पीएमडीसी ने लेटेस्ट जो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल है उनकी, सॉरी जो पेज है उसके ऊपर एक पोस्ट की, और उसमें उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है कि चूँकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम से कैंडिडेट्स जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, उस वजह से जो पोर्टल है जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको यही एरर आ रहा है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से जो है तो आपको बार बार रीलोड करना पड़ रहा है। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप जो है तो ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते रहें, बार बार आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोग ट्राई करते रहें। एक बात यह है कि कैसे आप उसको कर सकते हो सही, तो एक ये है कि आपके पास जो आपका नेटवर्क है उसकी जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो ऑब्वियसली आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो ईजीली हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर आप बैठे रहेंगे इसी तरह, आपका अप्लाई नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप रात को किसी वक्त उठ के ना तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, रात के मतलब 1-2 बजे के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रैफिक होती है बहुत कम होती है वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट उस वक्त काम कर रही होती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 2 से 3 दिन मज़ीद वेट करें, क्योंकि ये जो हैवी ट्रैफिक है ये जब अप्लाई कर लेंगे तो आप 2 से 3 दिन बाद अप्लाई करें। अभी आपके पास डेज है, 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, तो अभी आज तो 19 के 20 जुलाई है, तो आपके पास काफ़ी सारे डेज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप इस उम्मीद के साथ ना रहें कि हम 4-5 दिन बाद अप्लाई करेंगे, आप कल से आज से ही जो है ना कोशिश करें, नहीं तो कल से आप लाजमी जो है तो बार बार उसको ट्राई करें तो आपकी जो अप्लाई है वो हो जाएगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके साथ उसको शेयर करें। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।